जो लोग भारतीय मूल के हैं वो उनके बारे में ज्यादा जानते होंगे, मैं उनके ऐतिहासिक पहलुओं पर नहीं जाऊंगा। पर एक राजा हुआ करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज को आप जानते हैं। शिवाजी जो एक महान राजा या एक सम्राट रहे हैं, जिन्होंने, आपको पता है, एक तरह से बहुत जबरदस्त रूप से सम्मान प्राप्त किया अपने प्रशासन के लिए, अपनी बहादुरी के लिए, अपने साहस के लिए, और उन्होंने जिस रणनीति के साथ उस दौर में युद्ध किए उनका बहुत सम्मान किया जाता है, खासकर कि महाराष्ट्र के लोगों द्वारा। तो शिवाजी उनके प्रशासन के तरीके के कारण आज भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बेहद विकसित और प्रबुद्ध प्रशासन चलाया। बड़े ही कम लोग उनके प्रशासन के बारे में जानते हैं। आमतौर से लोग उन्हें सिर्फ उनकी युद्ध की रणनीतियों की वजह से जानते हैं, जिसकी तारीफ और गुणगान किया जाता रहा है। पर उनकी सबसे खास बात उनका प्रशासन रहा है। अपने राज्य के लिए उन्होंने बेहद उन्नत प्रशासन किया। तो उनके एक गुरु रहे हैं जिनका नाम रामदास था। एक दिन शिवाजी अपने महल की एक बालकनी में खड़े थे। उन्होंने देखा कि उनके गुरु हाथ में भिक्षा का पात्र लिए घर घर जा रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा, ये मेरे गुरु सड़कों पर भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? मैं एक राजा हूं, मेरे गुरु सड़कों पर भिक्षा नहीं मांगने चाहिए उन्हें तो। फिर उन्होंने बालाजी को बुलाया जो कि उनके सहायक थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और भेज दी, जाइए और इसे गुरु के चरणों में रख दीजिएगा। तो वो गए और इस चिट्ठी को गुरु के चरणों में रख दिया। तब उन्होंने इसे उठाया और पढ़ा और रामदास मुस्कुराए और अगले दिन वो महल में आए और बोले, इस चिट्ठी में शिवाजी ने लिखा है कि मैं अपना पूरा राज्य आपके चरणों में रखता हूं, आप इस राज्य और मेरे साथ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो रामदास बोले, अब जब आपने अपना राजपाट त्याग दिया है और ये मुझे दे दिया है, तो आप क्या करने की सोच रहे हैं? तो शिवाजी बोले, सदगुरु जी, जो आप बोलेंगे, आप मेरे सदगुरु हैं, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, और मैं सिर्फ आपके आसपास रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं बस यही करना चाहता हूं। फिर रामदास के पास एक और भिक्षा का पात्र था, वो बोले, ये लो। और दोनों सड़कों पर भिक्षा मांगने निकल गए, सम्राट और गुरु दोनों। लोगों ने, जब गुरु उनके घर पे आते थे, वो सोचते थे ये सिर्फ कोई भिक्षुक हैं और जो दे सकते थे वो दे देते थे। Now the emperor has come with great respect, they gave whatever they could. अब सम्राट खुद आए हैं, बड़े सम्मान के साथ वो जो कुछ भी दे सकते थे उन्होंने दिया। ऐसा सिर्फ आजकल होता है कि जब कोई भिक्षुक घर आए तो लोग उन्हें पका हुआ खाना, बचा हुआ खाना और हर तरह की चीजें देते हैं। पर इस संस्कृति में अतीत में ऐसा कभी नहीं किया गया था। वो सिर्फ सामग्रियां, अनाज देते थे, चावल दाल है ना, या कुछ ऐसा। तो अपना खाना वो खुद जाकर पकाते थे और खाते थे। तो जब उनकी भिक्षा मांगने का काम खत्म हुआ तो वो नदी के पास गए और गुरु ने एक साधारण सा खाना तैयार किया। उस दिन मिली भिक्षा की सामग्री से एक सरल सा खाना बनाया और फिर उनके खाना खाने के बाद जो कुछ भी बचा हुआ था, शिवाजी ने, जो अब राजा नहीं है, खाया। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे और शिवाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब आपने मुझे केवल 24 घंटों में ही एक भिक्षुक में बदल दिया है, आप मेरे साथ और क्या करना चाहते हैं? तो रामदास बोले, इसको घेरव कहते हैं, भगवा रंग के कपड़े का एक टुकड़ा। उन्होंने ये भगवा कपड़ा उन्हें दे दिया, ये उनके शरीर पे था, इसे निकाला और शिवाजी को दे दिया और कहा,
इसे अपने ध्वज की तरह इस्तेमाल करना। और वापस जाइए, देश पर राज कीजिए, और इतना याद रखिएगा कि ये राज्य आपका नहीं है। अगर आपको पता है कि ये आपका नहीं है, आप इसके मालिक नहीं हैं, तब आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छा कर सकते हैं करेंगे। आपको इस तरह शासन करना है। तो शिवाजी ने हमेशा भगवा कपड़े का या भगवा ध्वज का अपने राज्य के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। एंड ही एडमिनिस्टर्ड हिज किंगडम इन अ मोस्ट एनलाइटेंड वे पॉसिबल टू रन अ किंगडम। और उन्होंने अपने राज्य पर हर संभव तरीके से प्रबुद्ध रूप से शासन किया। मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? शिवाजी की महिमा इतनी बड़ी हुई, वो इस देश के दिलों और दिमाग में बसते हैं, क्योंकि वो कृपा में जिए। उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े, पर बिल्कुल संतुलित रहते हुए, कभी गुस्से में नहीं, कभी नफरत में नहीं, कभी कहीं भटके नहीं, बस वो किया जो जरूरी था। कृपा सबसे बड़ी शक्ति है जो आपके पास हो सकती है। एक बार जब कृपा आपके जीवन में आ जाती है, तो हर छोटी चीज। मैं कृपा के लिए कैसे उपलब्ध हूं? कृपा यानी ऐसा नहीं है कि ये कहीं एक दिशा से आ रही है, जैसे गुरुत्वाकर्षण है, कृपा है, लेकिन बहुत बड़े आयाम में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक खास दूरी तक ही काम करता है। कृपा सृष्टि का आधार है, लेकिन आप इसके लिए उपलब्ध नहीं होंगे अगर आपके पास अपने व्यक्तित्व की मजबूत दीवारें हैं। अगर आप निर्मोही हो जाएं, तो धीरे धीरे दीवारें गायब हो जाएंगी और इससे कृपा पैदा होगी। आप में हर चीज कृपा पैदा करने लगेगी।